काशीपुर में ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है। चैंपियनशिप का शुभारंभ डीआरएम रेखा यादव ने किया। इस चैंपियनशिप में रेलवे के 17 जोन में से 16 जोन की टीम भाग ले रही है। डीआरएम रेखा यादव ने रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में कहा कि ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो यहाँ हो रही है, इसका आयोजन पहले बेंगलुरु में होना था, लेकिन हम लोगों के प्रयास से ये आयोजन पहली बार काशीपुर में कराया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि और अन्य खेलों का आयोजन भी यहां काशीपुर में कराया जाए। रेखा यादव ने कहा कि रेलवे स्पोर्ट्स के प्रति गंभीर है। 56 खेलों में हम लोग नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं। अधिकांश खेलों में रेलवे की टीम प्रतिभाग करती है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स की बात कही जाए तो पिछले ओलंपिक में रेलवे के ही 38 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। हमारे यहाँ खिलाड़ी स्वयं नहीं जाते हैं, बल्कि उनका चयन ऑल इंडिया रेलवे करता है। हमारे यहाँ एक ग्रेडेशन सिस्टम है, हम ऑल इंडिया रेलवे करते हैं, उसमें से टीमों का चयन होता है, हम नेशनल में लेके जाते हैं टीम, उसमें से इंटरनेशनल में जाते हैं। तो जो ये पावर लिफ्टिंग की आज जो ऑल इंडिया इंटर रेलवे चैंपियनशिप है, अगर आप देखिएगा, क्योंकि थोड़े दिन में काशीपुर में नेशनल भी होने वाला है, यहाँ का जो स्टैंडर्ड होगा प्लेयर्स का और आयोजन का, वो नेशनल से कम नहीं है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तकरीबन यहाँ 16 टीम लड़कों की आई है और 11 टीमें लड़कियों की आई है। ये सारे के सारे नेशनल लेवल या रेलवे में जो सबसे अच्छा खेल रहे हैं वो बच्चे हैं, और इसी में से चयन करके हम नेशनल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।